चेचिस यार, मतलब चेचिस के कुछ कुछ बात नहीं कर सकते हो क्या यार? कुछ बात ही नहीं कर सकते यार, मतलब कुछ अलग ही लेवल का चेचिस है भाई। अंदर का सिस्टम कुछ इंजन वगैरह कुछ ऐसा है। फ्रंट में आ जाते हैं तो फ्रंट में मिल जाता है एक बड़ा सा हेडलैम्प, यहाँ पे चेक करें ठीक है भाई। इसमें डीजल टैंक भाई 50 लीटर का मिल जाता है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। चुका सुबह भी आप सबको गुड मॉर्निंग भाई। आप लोगों के डिमांड पे आज लेके आए हैं अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त का रिव्यू भाई। खतरनाक चीज है, आप लोग एक बार देखेंगे तो मजा ही आने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो कहीं से शुरू करना है, चैनल पे करना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे सामने है अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त, ठीक है। ये बड़ा दोस्त गाड़ी है और इसका चेचिस आप लोग देखेंगे ना पागल सा होने वाले हैं। तो एकदम नई गाड़ी है। और अगर पहले आप लोग लोडिंग चेक कर लो, बहुत ज़्यादा इसमें लोडिंग नहीं है। आप लोग लोडिंग लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लोडिंग है, लेकिन भूसा लोड है, एकदम हल्का माल होता है। सिर्फ ओवर हाइट है, ओवर लोडिंग नहीं है भाई। इसका लोडिंग भी अच्छा खासा है। और इसका अभी पता है ये रेडियल टायर में गाड़ी चल रही है, इसमें सादा टायर भी लगा है। अगर सादा टायर लगा होता ना तो ये चक्का आप देखिए इतना ज़्यादा बैठा है ना, ये पूरा भी खड़ा रहा होता। लेकिन भाई कुछ दिन में इसमें बता देंगे उनको कि सादा टायर जरूर लगवा लीजिएगा। कमानी पट्टा चेक करें भाई, कमानी पट्टा एकदम जबरदस्त दिया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 7, 1, 8 कमानी पट्टा इसमें लगा हुआ है। और एक बार इधर दिखाते हैं आपको भाई। इसमें डीजल टैंक भाई 50 लीटर का मिल जाता है, जो कि काफी बेहतरीन डीजल टैंक है। हालांकि इसमें साइड में दिया हुआ है। इसका चेचिस चेक कर रहे हो भाई, ये देखो चेचिस देख रहे हो यार, इतना हैवी इसका चेचिस दिया हुआ है ना। ये चेचिस देख के लगता है ना किसी आइसर का चेचिस है। ये देखो कितना जबरदस्त और कितना हैवी चेचिस है। पिकअप में हम लोग का जो पिकअप है उसका ऐसा चेचिस नहीं है। इसका चेचिस आप लोग चेक करें भाई, चेचिस के मामले में मानना पड़ेगा भाई अशोक लेलैंड ने कुछ काम किया। तो आ जाते हैं सामने की तरफ। यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन एक गेट मिल जाता है, जो कि ऐसे खोलना है भाई आराम से, और काफी स्मूथ है। मतलब आप गेट बंद करोगे ना, देखो ये देखो कट करके आवाज अगर अभी कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है। साइड में आपको अच्छा खासा ये देखिए एक यहाँ पे मिल जाता है बड़ा सा शीशा साइड, मतलब साइड देखने के लिए। अभी अंदर का झलक आपको दिखाते हैं, उसके पहले एक बार ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा दोस्त अशोक लेलैंड का है बड़ा दोस्त। कितना बेहतरीन बैच लग रहा है। साइड में एक अच्छा खासा इंडिकेटर मिल जाता है, ठीक है ये देखो। और इसमें अपोलो का टायर लगा हुआ है भाई। फ्रंट में आ जाते हैं तो फ्रंट में मिल जाता है एक बड़ा सा हेडलैम्प, यहाँ पे चेक करें ठीक है। और यहाँ पे देखो अशोक लेलैंड पूरा लिखा हुआ है और एल का यहाँ पे बैजिंग मिल जाता है और यहाँ पे लिखा है जय माँ विंध्यवासिनी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे लिखा ये जो है ना ये काफी बेहतरीन है भाई। ये अगर लड़ेगा ना सीधा टूटेगा, ठीक है। इसमें सिरा चेंज करवा लीजिए क्योंकि ये है प्लास्टिक का, ये देखो। और ये मतलब ऐसा नहीं कि लूज वाला है, एकदम हैवी है भाई, ये देख रहे हो इतना हैवी है, ठीक है। और यहाँ पे अलग से एक फॉक लैम्प आप लगवा सकते हैं, बाहर आपको मिल जाता है। ये तो भाई ये यहाँ पे लाइट नहीं लगाना है, ये सिर्फ और सिर्फ आईटीओ के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे लाइट लगा सकते हैं। बात करें टायर का तो इसमें रेडियल टायर और 17 इंच का इसका टायर मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन टायर है। हम लोग का पिकअप का जो टायर है वो 15 इंच का होता है, इसका जो टायर है ये 17 इंच का। चेचिस फिर से एक बार साइड का दिखा देते हैं, कितना बढ़िया इसमें वेल्डिंग वगैरह है। और यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा खासा फिल्टर लगा हुआ है। हालांकि BS6 गाड़ी का ये फिल्टर देखने में आपको नहीं लग रहा होगा, ये है भी नहीं, पहले BS4 गाड़ी के लिए आता था, फिलहाल अभी ये 6 में भी कर दिया है, ठीक है। लेकिन हम लोग के जो बुलेरो पिकअप में है वो अलग वाला ऐसे वाला फिल्टर है, ये अलग फिल्टर है, ये BS4 में भी आता था, ठीक है। ये देखिए भाई ने अलग से यहाँ पे पट्टा करा भी लगवा रखा है, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ भूसा में ही चलना है और भूसा में चलने के लिए ही उसको बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए जैक है, ये जैक है भाई। अच्छा ये कैसे खुलेगा? खुलेगा तो ऐसे उठेगा ये चक्का, मतलब चेचिस पे तान देगा अपना। अच्छा इसको घुमाने से ये चेचिस तान देगा? हाँ ये चक्का तान देगा। अरे यार इसको घुमाओगे तो यहाँ से निकल उठ जाएगा अपने आप, ये कैसे सिस्टम है भाई? दोनों लगे दिया है, एक लगे वो एक आग लगे उठा दो। अच्छा अच्छा जैक इसमें नहीं दिया है, तो इसको इसको घुमाने से चक्का उठ जाएगा तुम्हारा? हाँ उठ जाएगा। ये कैसे सिस्टम हो सकता है यार? अरे दिया है तो क्या है इसका? रुक जाओ इसको भाई चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं। ये तो काफी बेहतरीन सिस्टम है, देखो यहाँ पे घुमाने से भाई बोल रहा है कि चक्का उठ जाएगा। कभी उठाए हो? चेक किए हो? कंपनी वाला बता रहा था। क्या बात है भाई साहब, जबरदस्त है यार। देख सकते हैं गाड़ी का लुक कुछ ऐसे लगेगा आपको देखने में, अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त। अभी इसका पासिंग का देखो हमको जानकारी नहीं है, आपको चेक करके बताना पड़ेगा ऑनलाइन कि इसका पासिंग एक्चुअली है कितने टन का, ठीक है। ये देखो अभी चलते हैं अंदर साइड में, ये देखो अंदर में कितना बेहतरीन इसमें दिया हुआ है। गाड़ी कितना मजबूत है आप लोगों को अब पता चलने वाला है। ये देख रहे हो भाई, ये देखो हम ठोक के दिखाते हैं भाई, ये देखो कितना मजबूत है। और हम लोगों का जो गाड़ी है वो उसका आगे का डैशबोर्ड इतना मजबूत नहीं दिया हुआ है। इसका देखिए एक अच्छा खासा पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। अभी कितना किलोमीटर गाड़ी चला दी भाई? चलो चलते हैं अंदर और देखिए अंदर चढ़ने के लिए। ये देखो यहाँ पे रखिए आप हाथ और ऐसे पैर रखिए और अंदर शांति से चढ़ जाएगी। और देखो भाई
काफी अच्छा खासा इसमें स्पेस मिल जाता है। और अभी सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चला है कितना भाई, 18 किलोमीटर? 12 अच्छा ऊपर वाला है ना, चलो 1200 किलोमीटर गाड़ी चला है। तो भाई ये गाड़ी ना एक्चुअली 18000 किलोमीटर चला हुआ है, ये देखिए 1835, ठीक है 18035 किलोमीटर टोटल चला हुआ है। और यहाँ पे आपको गियर मिल जाता है जो कि 5 आगे एक बैक गियर लेके टोटल 6 गियर इसमें मिल जाते हैं भाई, आगे का ही जोड़ा जाता है ठीक है। लेकिन इसका डैशबोर्ड यार काफी हैवी दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो एक लाइट का यहाँ पे बटन मिल जाता है, देखिए जैसे कि हम लोग गाड़ी मिलता है ठीक है, यहाँ पे पकड़ने वाला मिल जाता है, फास्ट अगर लगवा के रखा हुआ है। गाड़ी कितने का पड़ा भाई टोटल? टोटल गाड़ी 9.5 लाख नगद, 9.5 नगद लियो लोन पे लियो ना। तो ये तो भरने के बाद कितना पड़ जाएगा, 12 पड़ जाएगा? हाँ 12। अच्छा सेम महिंद्रा वाला का। तो भाई पहले आपको नीचे उतरते हैं, एक चीज आपको दिखाते हैं। भाई बोल रहे कि उसको घुमाने से गाड़ी का चक्का उड़ जाएगा, ये कुछ अलग चीज हमको लग रहा है ठीक है। तो छोटा वाला भाई भी आ चुका है अपने पास में, इसको पहले चेक करते हैं। हाँ इसको घुमाने से भाई बोल रहा है कि ये गाड़ी का चक्का अपने आप उड़ जाएगा, इसमें जैक अगर अलग से नहीं दिया हुआ है। हाँ बोल रहा उठाना नहीं, अभी उठाना मत भाई। अच्छा उड़ जाएगा गाड़ी। हाँ 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 गजब सिस्टम दिया है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका सिस्टम यार। देख सकते हैं भाई अंदर का सिस्टम, कुछ इंजन वगैरह कुछ ऐसा है ऐसा। तो फाइनली भाई समझ में आ चुका हम लोग को कहानी मेन क्या है, बताओ ये गाड़ी का जैक है ये, यहाँ से दोनों खुलेगा जैक बाहर वही हम समझ रहे भाई, ये अलग ही सिस्टम बता रहा था भाई। लेकिन बढ़िया कंपनी जैक दे रही है भाई, अपने जैक नहीं दोनों तरफ लगा हुआ, एक तरफ उधर एक तरफ इधर, बहुत हैवी जैक है। हम लोग में इतना हैवी नहीं मिला हुआ है, ना बहुत हैवी जैक मिला। चलो काफी बढ़िया है। एक चीज मालूम है इसका, सबसे हैवी लगा इसका कमानी पट्टा, बहुत हैवी है कमानी पट्टा। और इसका चेचिस यार, मतलब चेचिस के कुछ कुछ बात नहीं कर सकते हो क्या यार? कुछ बात ही नहीं कर सकते यार, मतलब कुछ अलग ही लेवल का चेचिस है भाई साहब। मतलब अच्छा ऑनलाइन चेक करो कितने टन इसके पास दिया हुआ है। मिनी ट्रक कह सकते हैं, मिनी ट्रक कह सकते हैं। अच्छा कितना टन लोडिंग कर लेते हो छोटू? 4 टन 5 टन 4 टन 5 टन 5 टन लाद लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कितना लोडिंग होगा गाड़ी पे? ये 40 क्विंटल 40 क्विंटल मतलब 4 टन भाई, देख रहे हो 4 टन माल इसमें लोडिंग है भाई। 4 टन में भी कमानी पट्टा सीधा नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अभी ये मतलब 5 टन लाद के लेके आओगे ये, जब वो वाला लगा लोगे टायर तो सादा, हाँ गोटी वाला सादा टायर। सुपर भाई भाई बता दे, जो 5 टन 4 टन लोडिंग करते हैं ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर जाते हैं, ये सब लोकल में है, 15-20 किलोमीटर के अंदर में ये सब गाड़ी चलाते हैं, बहुत दूर ये लोग नहीं जाते। हालांकि आप लोडिंग चेक करें एक बार। अच्छा गाड़ी लहरता है ऐसे ऐसे? नहीं लहरता है, लहरता नहीं है ना इसमें, एक ही कमी है इसका थोड़ा केबिन। अच्छा हाँ हाँ ये साकर इसका देखो पीछे, ये देखो साकर सबका हम लोग का खड़ा रहता है ना, इसका साकर चेक करो, ये देखो इसका साकर टेढ़ा है, ये देख रहे हो इतना मस्त साकर इसमें दिया हुआ है, पीछे का सॉकर बहुत बढ़िया दिया हुआ है। चेचिस का बात भाई अलग है इसके यार, चेचिस बहुत जबरदस्त दिया हुआ है, चेचिस से हम खुश है भाई। सच बोले दिल से बोले तो ये गाड़ी काफी हमें बेहतरीन लगा ठीक है। अगर आप लोग लेना चाहे तो भाई ले सकते हैं, चेक करके लेना, अगर आपके आस पड़ोस वाले कोई लिया हो तो उससे पूछ के लेना भाई। यहाँ पे जो रिव्यू मिला है मालिक से ना वो तो काफी बेहतरीन रिव्यू था। 14 क्विंटल कितना? 14 क्विंटल पासिंग है भाई, 14 क्विंटल का इसका आपको पासिंग मिल जाता है। और 4 टन भाई लोडिंग किया हुआ है, आप सोच सकते हैं क्योंकि लोकल चलना है, भूसा में चलना है, किसान का माल है और किसान का मंडी में ये लोग आए बेचने के लिए। चेचिस खतरनाक दिया यार, चेचिस से भाई दिल खुश हो गया। आप सोच सकते हैं 14 क्विंटल का पासिंग लेके 4 टन लोडिंग करना, काफी 5 टन भी लेके आते हैं, झोल नहीं मारता है भाई, क्या बात है। इसके पहले छोटी गाड़ी में ऐसा चेचिस तुम देखे थे इसके पहले कभी? नहीं देखे थे ना भाई, चेचिस मारना पड़ेगा सच बता रहे भाई। गाड़ी है अगर इंट्रा अगर इसमें लेना चाहता हूँ तो बोलेंगे यही ले लेते हैं, इंट्रा छोड़ के यही लेना चाहिए हमें, क्योंकि इंट्रा 7 लाख का पड़ ही जाता है, 2 लाख और लगा ले आदमी ये ले ले, एवरेज उतना ही है। चेक करो भाई गाड़ी का लुक। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, ये जो गाड़ी है आप लोगों को कैसा लगा एक तरह से कमेंट करके बताइए, एंड किसके किसके पास है अभी, कैसा ये गाड़ी चल रहा है जो बताए। ये मत बोलिए बहुत बेकार है गाड़ी, हाँ, लेकिन हमें अच्छा लगा, ये हमें अच्छा लगा ये हम बोल रहे हैं ठीक है, कोई कंपनी वाला तो भाई हमें आप लोग क्या पसंद है हम लोग को नहीं पता, हमें ये गाड़ी अच्छी लगी, हमें अच्छा लगा। और आप लोग अपने तरफ से जो भी आप लोग सोचते हैं इस गाड़ी के बारे में जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। 9 लाख के सेगमेंट में एक अच्छा खासा आपको गाड़ी मिल जा रहा है, चेची सबसे इसका बेहतरीन दिया हुआ है, लोडिंग आप चेक कर सकते हैं। और हम लोग की गाड़ी में अगर इतना 4 टन लोडिंग करेंगे तो पता चला चेचिस गायब। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिए।